वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरियंजन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। सो हम लोगों ने क्लासेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस एक लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो बच गया है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सो बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सो यहाँ पे मेरा जो जो टॉपिक रह गया था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से आप बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसका यूज करके। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस की, जो कि इनबिल्ट है, बट आप उसको कैसे आप अपनी क्लासेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कस्टम आप इसका यूज कर सकते हैं। सो मैं अगर आप यहाँ पे बात करता हूँ जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता क्या है। सो यहाँ पे बेसिकली जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करी थी और यहाँ पे हमने मेथड ओवर राइटिंग की भी बात करी थी। तो अगर आप जैसे देखें कि अगर आपने पेरेंट क्लास में अपने कोई ऑब्जेक्ट जो भी मेथड बनाया है, ओके, और उसके बाद में आपने क्या करा है, उसको बोला है कि भाई आपको इस मेथड को ओवरराइड करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो ओवरराइड हुआ है कि नहीं आपकी सब क्लासेस में। तो उसको आपको चेक करने के लिए आपको पर्टिकुलर बेस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मैंने बहुत बेसिक सा एक डेफिनेशन दी हुई है, चलते हैं उसको पढ़ते हैं कि क्या उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर क्लासेस दैट आर मीन टू बी इनहेरिटेड बट अवॉइड इंप्लीमेंटिंग स्पेसिफिक मेथड्स, लीविंग बिहाइंड ओनली मेथड सिग्नेचर्स दैट सब क्लासेस मस्ट इंप्लीमेंट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूजफुल फॉर डिफाइनिंग एंड इन्फोर्सिंग क्लास एब्स्ट्रैक्शंस एट अ हाई लेवल सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसेस इन टाइप्ड लैंग्वेजेस without the need for method implementation. Okay, so देखिए यहाँ पे सिंपल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई मेथड बनाया है और उसको आपने पहले तो सबसे पहले क्या करा, आपने बेस क्लास बनाई, बेस क्लास के बाद में उसकी सब क्लासेस आपने जो चाइल्ड क्लासेस बना दी, आप चाइल्ड क्लासेस ने क्या करा उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया, ओवरराइड किया, और कुछ चाइल्ड क्लासेस ने उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया, है ना। तो वो क्या होगा कि आप भाई आपको पता नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर क्लास को वो ओवरराइड करे या नहीं करे। तो अपन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक क्लास बना देंगे जो कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और उसके अंदर कुछ मेथड्स को आप डिफाइन कर देंगे कि इन पर्टिकुलर मेथड्स को इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए आपकी बेस क्लासेस में। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अगर आपको कोई भी बेस क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो मॉड्यूल है हमारे पास में, जो लाइब्रेरी है ABC, जो कि हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का ए, बेस का बी एंड क्लासेस का सी, ABC ABC जो हमारी क्लास है वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे ABC मेटा डेटा को, मेटा को। ओके, सो ये क्या होगा, मेटा क्लास इज इक्वल्स टू ABC मेटा। तो ये जो क्लास है मेरे पास में माय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी और यहाँ पे जो भी मेथड मैं आप यहाँ पे पास करूँगा, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यहाँ पे बनाएंगे उसके अंदर जो भी आप मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में, उसकी बॉडी नहीं होगी, मतलब सिंपल आपको पास करना है, सिंपल आप उसको उसकी जो सिग्नेचर मेथड सिग्नेचर है बस वही आप यहाँ पे देंगे, जो भी इसकी चाइल्ड क्लासेस होगी उसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन के साथ में इसकी बॉडी भी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे आप यूज़ कर पाएंगे ABC मेटा को एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो आपको कैसे इन्फोर्स करना है कि पर्टिकुलर ये मेथड इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ये मेथड नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में और एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको मेथड ओवरराइडिंग वगैरह वगैरह सब चीज़ें बता दी है। सो अब चलते हैं यहाँ पे मेरे पास में जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में है पार्ट फिफ्थ जो कि मैं यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करा है, दो क्लासेस ले ली है। सो सबसे पहली क्लास मेरे पास में फ्रूट क्लास है और उसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है चेक रिपाइनस। ओके, और उसके अंदर मैंने क्या करा, उसकी बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है रेस नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर। ओके, यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट, मतलब अगर आपने, मतलब ये जो मेथड है अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है जो भी चाइल्ड क्लासेस के अंदर में, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करें। और मैंने एक चाइल्ड क्लास बना ली है एप्पल की और उसके अंदर मैंने एक ये जो है फ्रूट क्लास को इनहेरिट कर लिया और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिंपल पास इसकी बॉडी खाली रखी है।
सो चलते हैं, अब इसको देखते हैं कि मेरे पास में एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सिंपल पहले तो मैं एप्पल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस मेथड को कॉल करते हैं कि जैसे हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट आप में जो भी मेथड आप क्रिएट करते हैं और अगर वो चाइल्ड क्लासेस के अंदर नहीं होता हो, तो वो अपनी बेस क्लासेस के पास जाके चेक करता है कि ये पर्टिकुलर मेथड है कि नहीं। तो यहाँ पर ए डॉट, यहाँ पे आएगा चेक रिफाइनेस, और यहाँ पे देखिए कि मेरे पास में आउटपुट क्या आ रहा है, नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर। यहाँ पे मेरे पास में ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है। ओके, सो अगर मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट करवाना ही है इस बेस क्लासेस के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। सो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है। सो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है अपन को, वो देख लेते हैं। सो पहले सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे रन टाइम पर एरर ना मिले, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई है मॉन्टी पाइथन। ओके, और इसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली है क्योंकि मेटा क्लास इज इक्वल्स टू ए बी सी। ओके, ए बी सी मेटा, और उसके बाद में मैंने क्या करा है, जो एक मेथड बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब डेकोरेटर का भी यहाँ पे यूज़ किया है ताकि मुझे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। ओके, और उसके बाद में मेरे पास में मैंने एक और मेथड डिफाइन किया, बट ये आउट ऑफ द क्लास है, ठीक है। एंड अनदर मेरे पास में जो क्लास है वो है आर्ग्यूमेंट क्लिनिक, एंड उसके अंदर मैंने इस बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, और उसके अंदर मैंने इस पर्टिकुलर जोक मेथड को यहाँ पे कॉल किया हुआ है, मतलब उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करिए। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट, जो मेरे पास में चाइल्ड क्लास है उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ मेरे पास एरर आ रही है क्या, अभी तो नहीं आ रही, मेरे पास कुछ आउटपुट भी नहीं आ रहा, बस मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, ए सी डॉट जोक मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ गया रिटर्न, हाँ। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट तो आ गया, बट अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मतलब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी भी मेरे पास में आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसको, या फिर यहाँ पे इसको मैं कमेंट ना करके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करके, और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ पास। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास में क्या आउटपुट आ गया, टाइप एरर, कंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर्ग्यूमेंट क्लिनिक विथ एब्स्ट्रैक्ट मैथड जोक्स। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर डेकोरेटर के हेल्प से मैंने बताया कि भाई आपको इस पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट करना है आपके चाइल्ड क्लास के अंदर। सो इस तरीके से आप पर्टिकुलर मेथड को बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको अनकमेंट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे इसको अनकमेंट किया, तो देखिए यहाँ पे एरर जो होगी वो गायब हो गई, यहाँ पे मेरे पास में रिटर्न आउटपुट आ चुका है। सो ऐसे ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख टॉपिक क्या है। सो यहाँ पे मेरे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे जो भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे।